ये देखिए, ये हम लोग आ गए हैं नकबेन, और ये यहाँ पे रोड कैमरा भी लगा हुआ है। ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पे शीशा वगैरह पीते हैं, जो अपने वहां बोलते हैं हुक्का चिल्लम। यहाँ पे इनका हुक्का चिल्लम पीने के लिए एक अच्छा सा अलग सा जगह बनाया है। देखिए ये है नकबेन, ये नकबेन सिटी में पड़ता है। अभी हम लोग रोड के ऊपर है, हाईवे पे ही है। अंदर का वीडियो किसी दिन जरूर आपको दिखाएंगे। आप ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको माउंटेन्स ही मिलेंगे। इसके अलावा तो मैं, मुझे काफी टाइम हो गया यहाँ पे, 15-16 साल हो गए हाइल सिटी में। मुझे ज्यादातर तो बस काफी खाली खाली सा एरिया है, कुछ रियाद जद्दा दमाम जैसा ये क्राउड एरिया नहीं है। काफी शांत और काफी खाली एरिया है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ माउंटेन्स ही दिखेंगे। तो आप देखिए, अभी हम आ गए, ये गोल चक्कर नकबेन का है। यहाँ से सिटी में जाने के लिए लेफ्ट राइट दोनों तरफ सिटी है, लेकिन ना तो हम लेफ्ट जा रहे हैं ना राइट जा रहे हैं, हमें स्ट्रेट चलेंगे। हमें अभी लंबा जाना है तकरीबन, और हमें 55 किलोमीटर के आसपास में जाना है। आज हम यहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ है हर एक जगह पे। आजकल क्या करे, क्या बताए आपको दोस्तों, यहाँ पे भी काफी बेरोजगारी सा माहौल हो गया है, और हर कोई कुछ ना कुछ स्टॉल लगा के अपना जीविका चला रहा है। ये देखिए कितना खाली खाली सा एरिया है, ओपन एरिया है बिल्कुल। अब इसके बारे में क्या बताऊं, सिर्फ माउंटेन ही है और खाली ग्राउंड है, तो आप लोगों को पता ही होगा। हम लोग जाएंगे अल गुलबान, जगह का नाम है अल गुलबान। ये देखिए, ये देखिए खाली एरिया में, बताइए ये भी स्टॉल लगा के कुछ ना कुछ अपना सेल कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, पहले तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। कोई नहीं दोस्तों, आपको हर एक चीज बताएंगे। जैसे हमने आपको अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि हाइल के बारे में हम आपको हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें बताएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बताते रहें। और आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, और अगर लाइक करेंगे तो इससे हमें वीडियो बनाने का क्रेज और भी रहेगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। और आप कमेंट लाइक नहीं करेंगे तो फिर हमें वीडियो बनाने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, सुफद नफान, जो आपको बताया था। ठीक है, पूरा देख सकते हो डेजर्टेड एरिया है पूरा। ये यहाँ पे ये बाइकें वगैरह है, ये यहाँ पे देखो, ये लोग जो है यहाँ पे बाइक बाइक वगैरह चला रहे हैं जो रेगिस्तानों में चलती है, और हवा काफी तेज चल रही है। तो अभी हम भी एक बाइक लेंगे, चलाएंगे, देखेंगे मजा आता है कि नहीं आता, सब कुछ देखेंगे, ट्राई करेंगे। एंड जो यहाँ पे रेत है, देखो रेत बहुत वैसी है, मेरे मैं इसमें चल नहीं पा रहा ठीक से, मेरे पाँव अंदर अंदर की ओर धस रहे हैं। पर ये है बाइक यार, ये चलानी आती नहीं है। तो कह रहा भाई हमारा कि बाइक आसान है, ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है। तो भाई ले रहे हैं वहाँ पे, देखो भैया ट्राई कर रहे हैं, तो हम भी एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा लगता है चलाने में। वो लेके गए बाइक, ये देखो भाई को, ये एक्सपर्ट है, यहीं का बंदा है, वही चला रहा भगा के। इनको देखो ये भी चला रहे हैं, बहुत सारी बाइकें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये सारे सऊदी लोग भी आए हैं, उनके क्या नाम है, बच्चे वगैरह भी चला रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे है, मजा आ रहा है। दूर दूर तक खाली रेत ही रेत है, हर जगह रेत है। ये लोग इस चीज़ का बिजनेस करते हैं, ये मतलब जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं घूमने, वो यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, उनको काफ़ी मज़ा आता है ये सब चलाने में। सऊदी लोग भी काफ़ी शौक से चलाते हैं,
तो यहाँ पे देख सकते हो और भी चला रहे हैं, लोग चला रहे हैं यहाँ पे, भैया भी चला रहे हैं, अभी रुके हुए हैं। तो अभी हमने एक बाइक लिया है ट्राई करने के लिए, हम निकल गए हैं आराम से आराम से, यहाँ गिर जाएंगे फालतू चोट लग जाएगी। तो अभी देख सकते हैं हमने बाइक तो ले लिया है, डर लग रहा थोड़ा चलाने में, चलाना आता नहीं है, पर भाई ने थोड़ा समझाया है कैसे कैसे चलाते हैं, तो एक बार ट्राई करूंगा, देखता हूँ कैसे क्या इसको करते हैं। ज़्यादा दिक्कत हुई है ऊपर आने में यार, ये डेजर्टेड, सही में डेजर्टेड एरिया, उसमें चलने में बहुत दिक्कत होती है, सांस पूरी की पूरी फूल गई है अभी, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस से मैं पैदल आया हूँ तो मुझे पता है कि कितनी डिफ़िकल्टी से मैं ऊपर चढ़ा हूँ। ठीक है, तो ये है जिससे हम आए हैं, ये बाइक भाई ने दी है चलाने के लिए, तो यहाँ पर सभी यही चला रहे हैं, सैन एंड्रीज वाली बाइक है, सैंचीज जिसको वो फोर व्हील फन जो जिस चीट कोड से ये आता था, फोर व्हील फन सैन एंड्रियास की बाइक है ये, तो इसी से आए हैं। एंड अभी हम ऑन द टॉप है, बिल्कुल एकदम टॉप पर है, और ये जो रेत है देख सकते हो, बिल्कुल भी इसमें कोई भी स्टोन पार्टिकल नहीं है, पूरा रेत है ये, पूरा का पूरा, एंड काफ़ी स्मूथ है, दिख रहा है आपको। तो फाइनली अच्छा लग रहा है बाकी। एंड हम, मैं आपको अभी बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा कि हम कौन से जगह से आए थे, दिखने में तो पास है पर बहुत दूर है ये वहाँ पे। ठीक है, तो बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा, ये रोड के नज़दीक से हम आए हैं जहाँ से हमने बाइक लिया था, और अभी हम यहाँ पे हैं ऑन टॉप, ना बाइक चल रही है ना पैदल चलना बन रहा है बिल्कुल भी। तो हमने ये बाइक रेंट पे ली थी, इनका ये चार्जेबल है, ये इनका जो पर घंटे का चार्ज है वो 60 रियाल लेते हैं पर आवर का। ठीक है, और ये इतनी पावरफुल है, इसके टायर देखो, ये स्पेशली डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि ये मतलब रेत पे हम इसको चला सके, काफ़ी पावरफुल इसका इंजन भी है, पूरा इसने मतलब क्रॉस कर दिया पूरा, जहां हम नीचे से पूरा डाउनफॉल से हम ऊपर तक आए हैं, उधर देखो लोग अपनी गाड़ियां भी ऊपर चढ़ा रहे हैं, वो भी लैंड क्रूज़र से वो ऊपर आए हैं, जूम करके दिखा रहा हूँ क्योंकि लैंड क्रूज़र का जो इंजन होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा। इंडिया में जो इसका प्राइस है वो अप्रोक्स 2.5 करोड़ के आसपास है। तो जहाँ हम कहाँ से आए थे वो आपको दिखाता हूँ, वो आपको दिख रहा होगा जूम करके, मैं अभी दिखाता हूँ, उस रोड के किनारे से हम आए थे, वहाँ से हमने ये लिया था बाइक, फुल जूम हो गया, वहाँ से हमने बाइक लिया था, आप देख सकते हो इसमें भी कितना छोटा दिख रहा है वो, सोचो कितना दूर होगा। और अभी हम टॉप पर हैं, यहाँ पर आए हुए हैं टॉप पर।